हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल, बच्चे हमारे चले गए हैं, स्वास्थ्य भी चली गई, श्वेता भी चली गई अपने ससुराल, अधर भी चला गया, वरुण आया था 2 दिन के लिए वो भी चला गया, वैभव भी आया था वो भी चला गया, सब बच्चे हमें छोड़ के फिर चले गए, सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर। हमारी लाइफ फिर से वही रीस्टार्ट। रीस्टार्ट क्या करें, करना तो है रीस्टार्ट। बिना रीस्टार्ट किए तो लाइफ चलेगी नहीं, वो तो है। तो दोस्तों, आज हमारा एक इमीडिएट वाला मीट काम लग गया है, तो हम लोग नीचे भाग रहे हैं घर से और क्लाइंट हमारा नीचे वेट कर रहा है, तो लेट अस मीट आफ्टर द मीटिंग ऑफ दिस क्लाइंट। बिल्कुल, चलते। क्लाइंट का वेट कर रहे थे नीचे और योगेश भी गाड़ी लेने गए हैं, तो मैंने बोला तब तक फिर दोबारा मिला जाए आपसे। और ये देखो सुभाष गार्ड हमारा सबसे आगे आगे आता है कि मैडम के साथ आ जाओ, मैं फिर योगेश भी आ जाते हैं, तब तक फिर मिलते हैं हम लोग अगेन, क्योंकि आज मैं भी बहुत दिन बाद जा रही हूँ ऑफिस। मैंने भी मेरे ख्याल 1 हफ्ते बाद जा रही हूँ आज ऑफिस, क्योंकि स्वास्थ्य, श्वेता, अधर सब आ गए थे, मन नहीं किया मेरा ऑफिस जाने का। मैंने सोचा टाइम पास किया जाए, बच्चों के साथ एंजॉय किया जाए, तो मैंने खूब एंजॉय किया सब बच्चों के साथ। अभी गाड़ी लेकर आ गए हैं अपनी, तो हम बस वही वेटिंग पर हैं, क्लाइंट है नहीं यहाँ। मैं ला कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं तब तक। नहीं, कोई भी नहीं, नहीं कौन था, कोई भी नहीं आया, मैं भी वेट कर रही थी, मैं सोचा चलो आप आ जाओ तब तक देखते हैं। अच्छा, हाँ स्मार्ट लग रहे हो योगेश, क्या स्मार्ट लग रहे हो। हमारी क्लाइंट मीटिंग हो गई है, तो अब हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो अब ऑफिस जाके फिर हमारी एक और मीटिंग है इन्हीं क्लाइंट के साथ, तो उसके बाद हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते वक्त योगेश कितना अच्छा वेदर हो रखा है, रात को लोगों नींद खुली। हाँ। कैसे खुली, बहुत ज्यादा बादल गड़गड़ा रहे थे। हाँ। बहुत ज्यादा, आपने मॉर्निंग में बताया, मैं तो शॉक, मेरे को तो नींद इतनी आ गई पता ही नहीं चला। तो ऐसे मतलब हमारे जितने भी स्लाइडर्स थे सारे दड़दड़ा रहे थे। इतने बादल गिरे थे। कल किर्गिस्तान में भी भूकंप आ गया। अच्छा, हाँ बहुत तेज था, 6.3। ये तो अर्थक्वेक सब जगह ही आ रहा है, पहले इंडिया में हुआ, फिर बाहर होना शुरू हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब किर्गिस्तान। ठीक है ना, न्यूज चैनल भी आपका देखो, इसी बहाने न्यूज भी बता रहे हो सबको। आज की खबरें समाप्त हुई, कल मिलेंगे। काम करने का मन नहीं कर रहा, टेम्पो भी नहीं बन रहा ना वैसा, टेम्पो भी नहीं बन रहा, क्या मौसम सुस्ती का, तो ऊपर से मौसम इतना सुस्ती का है, क्या कर सकते। ठंड इतनी लग रही है ऑफिस में बैठ के, पूछो तो अभी तो मन भी नहीं कर रहा, और वो आदत पड़ गई थी ना 1 हफ्ते की, स्वास्थ्य, श्रद्धा सबकी। हाँ, उनका भी एक मिस आउट तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं, तो मिस आउट भी आ ही रहा है कहीं ना कहीं, है ना। जो लाइफ है उसको जीना तो है ही है, क्या कर, और बाकी देखो अभी क्या होता है, माहौल तो सुस्ती का हुआ ही पर देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, सो इस पॉजिटिव सोच के साथ ही जी रहे हैं दोस्तों। यही मेरी सोच तो यही है कि पॉजिटिव सोच के साथ ही जीना चाहिए, और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि दुख में हो सुख में हो हमेशा पॉजिटिव रहो, बट कोरोना पॉजिटिव कभी मत बनो। कोरोना पॉजिटिव कभी मत रहो, मेरा ये कहना है, मास्क लगा के रखो। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल योगेश भाटिया।